मध्यवर्ती देवी प्रतवासुरीतम देवी जगत माता जोगी बुद्ध भक्ति कर कामाक्ष काम संकल कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देवी देवी कामेश्वरी नमस्ते गये देव राधा कृष्ण की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की वर्षा में आज हम आपके कुछ दिमाग की नसें और ज्ञान के पर्दे खोलने के लिए जा रहे हैं। तंत्र विद्या में बहुत से मनुष्य अपनी हाथ की सफाई के माध्यम से मनुष्य को लहला फुसला लेते हैं। कई जगह हम देखते हैं, सुनते भी आते हैं कि साहब उस तांत्रिक ने ऐसा ऐसा करके हमें शरीर से ऐसी चीजें निकाल दी, जबकि हम एक्सरे करवाए तो कुछ भी नहीं निकला। इसका मतलब आपकी एक्सरे मशीन जहां आपने पैसे देके करवाए वो मशीन खराब, आपने सीटी स्कैन करा लिया परंतु आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी जो सीटी स्कैन के अंदर आ जाए। परंतु जब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं जो आपकी नजर बंद करने का काम करता है, हाथ की सफाई करता है, आप उसके पास जाते हैं तो कहता है आपको पिलाई पिलाई हो गई, और वो पिलाई पिलाई के माध्यम से जब वो अपनी क्रिया करता है नजर बंद के अनुसार तो आपके शरीर के अंदर से कांच के टुकड़े निकाल के दिखा देता है, लोहे की कीलें निकाल के दिखा देता है, कुछ हड्डियां निकाल के दिखा देता है, और कुछ जगह बाल मनुष्य के बाल का गुच्छा होता है वो शरीर से निकाल के दिखा देता है। तो आप खुद सब पढ़े लिखे हो, जो जो भी YouTube को देख रहा है ने पढ़ा लिखा तो है, बड़ा फोन भी आप चला रहे तभी YouTube देख पा रहे, टच स्क्रीन वाला फोन भी आपके पास में है, आप कमाई भी करते हो, फिर भी आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ऐसे नजर बंद करने वाले हाथ की सफाई करने वाले जादूगर के पास चले जाते हो और वो आपसे पैसे लूट लेता है और आपको अपने हाथ की सफाई के माध्यम से कांच के टुकड़े कीले बाल पत्थर हड्डियां ये निकाल के दिखा देता है। आपको खुद को सोचना चाहिए कि क्या शरीर के अंदर जब कांच के टुकड़ा होगा, कील होगी, हड्डियां होगी, बाल का गुच्छा होगा तो क्या एक्सरे मशीन में नहीं आएगा? सीटी स्कैन में भी दिखता है, एक्सरे मशीन में भी दिखता है। इसका मतलब हाथ की सफाई तो आप किसी भी ऐसे जादूगर वाले व्यक्ति के पास न जाएं जो ये कहता हो चैलेंज के साथ कि मैं आपके शरीर से हड्डी निकाल के दिखा दूंगा जो आपके परिवार वालों ने आपको खिलाई। अरे हड्डी कैसे खिलाएगा, वो हड्डी का चूरा खिला सकता है, और हड्डी का चूरा जब शरीर के अंदर जाएगा तो हड्डी तो नहीं बन सकता ना। कांच यदि आपको खिलाएगा तो आप चबा के ही तो कांच से निकलोगे, तो आपके शरीर के अंदर कांच कैसे जा सकते हैं? और बाल, बाल भी यदि आपको खिलाए हैं तो वो जला के पाउडर बना के खिलाए, बाल का गुच्छा आपके शरीर के अंदर नहीं जा सकता, आप खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते। इसलिए यदि ऐसा कोई पुरुष या ऐसा कोई तांत्रिक या ऐसा कोई निकालने वाला कि बिना चीर फाड़ के आपके शरीर के अंदर की कैल्शियम को निकाल देता है, मुंह से खींच करके बाहर निकाल देता है बिना खून किए, बिना खून लगाए, बिना चीरफाड़ी किए, तो यह सब उसकी कला है, हाथ की सफाई है, नजरबंदी है। ऐसे व्यक्ति के यहां पर जाने से आप ठीक नहीं हो सकते। कुछ दिन हो सकता है महीने भर आप ठीक रहेंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे, फिर आप दोबारा जाओगे, फिर वो आपके शरीर से निकाल लेगा। तो क्या एक महीने में दोबारा से आपको वो चीजें वैसी ही चीजें खिला नहीं सकता कोई भी व्यक्ति? क्योंकि अब तो आप सजग हो गए थे, तो फिर वैसी चीजें दोबारा निकालता है और वही चीजें निकालता है जो पहले निकाली थी,
तो आपको वहां पर भी सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि जो चीज इसने पहली बार निकाली थी वैसी ही चीज दोबारा से निकाल के दिखा दी, यानी हाथ की सफाई। तो आप किसी भी ऐसे झाड़ फूक करने वाले, अपने आप को तांत्रिक कहने वाले, नजरबंदी करने वाले ऐसे व्यक्ति से के झांसे में ना आए और न फंसे और न अपना समय बर्बाद करें और न पैसा बर्बाद करें। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से मनुष्यों को तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीन सकती है। जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे तर्क वितर्क के माध्यम से, तो आप ऐसे लोगों के पास न जाए जहां पर इस प्रकार की क्रिया होती हो। कुछ लोग कहते हैं रुपयों की वर्षा होती है, कोई कहता वर्षा करते हैं, रुपयों की शिफ्टिंग होती है। आजकल यह जुल्मा भी कई जगह चल पड़ा है और किसी को कोई सत्यता नहीं मालूम है कि साहब हम पैसे की बरसात करते हैं, नोटों की बरसात करवा देंगे, आप हमें यह 21 नाखून वाला कछुआ ला दो या फिर 2 मुंह वाला सांप ला दो। तो ऐसी चीज जो नामुमकिन होती है वो ऐसी चीज की डिमांड करते हैं। और यह भी पूर्णतः सत्य है कि जो मनुष्य ये कहता है कि 21 नाखून वाला कछुआ ला दो मैं पैसे की बरसात करवा दूंगा, 2 मुंह वाला सांप ला दो तो पैसे की बरसात करवा दूंगा, जमीन के अंदर का गड़ा हुआ धन दूसरी जगह है तो अपने यहां खींच लेंगे अपन, तो ऐसे कहने वाले खुद स्वयं ये क्रिया करके अरबपति करोड़पति हो जाते, प्लेन उड़ाते, बड़ी कंपनी के मालिक बन जाते। वो आपके यहां ये आपसे क्यों कहते हैं कि भैया 21 नाखून वाला कछुआ लाओ मैं पैसे की बरसात करता हूं, खुद ही पैसे की बरसात कर लेते। इसका मतलब यह है कि यह पूरा टोटली फ्रॉड है। ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में, ऐसे गुनिया लोगों के चक्कर में भी ना आए और अपना समय व धन बर्बाद न करें। और अंदर का माल निकालना, जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन निकालना, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या खजाने को निकालना, अगर ऐसा होता तो हमारे भारतवर्ष में कई राजे रजवाड़े मर गए जिनने बड़े बड़े महल बना दिए, पहाड़ों के ऊपर उनके महल बने हुए, उन महल के अंदर अरबों खरबों रुपए की सोने चांदी सिक्के सब गड़े हुए हैं, वो अभी तक निकाल चुके होते और वहां से खिसका के वो सब अरबपति बन चुके होते, पर ऐसा भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी झूठ है और फ्रॉड है। और ऐसे मनुष्यों के चक्कर में बहुत से मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, सभी अपनी धन संपत्ति को भी बर्बाद कर चुके हैं और कुछ लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। इसलिए आप न तो गड़े धन के चक्कर में कभी फंसे और न रुपयों की बरसात होती ऐसे चक्कर में भी न फंसे, यह पूर्णतः असत्य है। कुछ लोग कहते हैं साहब कि आपके पास पावर हो तो यह हरा भरा वृक्ष है, इसकी एक डगाल तोड़ के गिरा दो आप, हम यहीं पे बैठे हैं, हमारे सामने डगाल टूट जाना चाहिए हरे भरे वृक्ष की। अरे ऐसा कैसे संभव है? जो अदृश्य शक्तियां हैं उसके पास में स्थूल शरीर नहीं है, और जब स्थूल शरीर नहीं है तो वो एक पेड़ की, हरे भरे पेड़ की डगाल को कैसे तोड़ सकते हैं? और यदि कोई ऐसा करता है तो वो भी हाथ की सफाई है उसकी। ऐसे के झांसे में भी आप बिल्कुल ना आए जो इस प्रकार के लोभ लालच करके, प्रपंच करके आपसे पैसा लूट के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं लूट खसोट करने वाले के, साहब हम आपके सोना चांदी को डबल कर देंगे, आप एक कपड़े के अंदर लेकर के आइए, आपके पास जो भी सोना चांदी हो वो सब लेके आओ, हम अभी पूजा पाठ करेंगे और सब डबल करके आपको देके जाएंगे। तो ऐसे में भी देखे गए जितने भी केसेस हुए सब फ्रॉड हुए कि बाद में उस पोटली के अंदर पत्थर मिले और ओरिजिनल सोने चांदी सब लेकर के चले गए। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक तो रुपयों की बरसात करने वाले, 21 नाखून वाला कछुआ की मांग करने वाले, 2 मुंह वाले सांप की डिमांड करने वाले, पेड़ की डगाल को गिरवाने वाले, शरीर से कांच लोहा और बाल निकालने वाले, शरीर से पत्थरी निकालने वाले,
इन लोगों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। यह पूर्णतः असत्य है, सिर्फ नजरबंदी का खेल है और हाथ की सफाई है। फिर भी आप पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी यदि आपके दिन खराब होंगे, आपको बर्बाद होना होगा, आपके पास शनि चल रहा होगा या राहु की दशा चल रही होगी जिसमें बर्बाद होना है, तो आप ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में उलझ जाओगे। कुछ लोग उल्लू को पकड़ते हैं और कहते हैं साहब उल्लू मनुष्य की भाषा में बात करता है। वो एक पक्षी है, जानवर है, वो मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकता है? यह असंभव है। चाहे मनुष्य के सामने कितने ही मंत्रोच्चारण कर लीजिए, चाहे उल्लू को कितनी ही शराब पिला दो, वो मनुष्य की भाषा में बात नहीं कर सकता और नहीं किसी चीज को बोल सकता है। उसको जो अपनी भाषा में बोलना है उसी भाषा में वो बोलेगा। इसलिए बहुत से लोग उल्लू की भी हत्या करते हैं, उल्लू की खोपड़ी को सिद्ध करते हैं, गिरगिट को मारते हैं, कौवे को मारते हैं, चील को मारते हैं। आज के जमाने में यह सब विद्या लुप्त हो चुकी है। इसलिए आज के जमाने का यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि साहब ये सामान लेकर के आ जाओ जो मिल नहीं सकता, तो आप मान करके चलें कि वो व्यक्ति आपसे सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहा है। तो आप ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में न फंसे। झोला चाप, नजरबंदी करने वाले, हाथ की सफाई दिखाने वाले, ऐसे लोगों से दूर रहें। और अधिकांशतः ऐसे मनुष्य काला कपड़ा पहनते हैं, झोले में शमशान की राख रखते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों से आपको दूर ही रहना है। कुछ लोग कहते हैं काली हल्दी से हम ताला खोल देते हैं। एक ताला जब लगा हुआ है, उसकी चाबी नहीं है, तो काली हल्दी से ताला खुल नहीं सकता। वो भी एक टेक्निक होती है और अभी हाथ की सफाई है। कुछ लोग काली हल्दी से कपूर को जला देते हैं। तो काली हल्दी से कपूर को जलाना, इसका सबका सिर्फ वीडियो आता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ के अपने सामने कहोगे हमारे सामने जलाइए, तो वो ये न जला सकता है न हिला सकता है। अदृश्य शक्तियां जिनके पास स्थूल शरीर नहीं है, पंच तत्व नहीं है उनके पास में, उनके पास में हड्डियां नहीं है, उनके पास मांस नहीं है, उनके पास ऊर्जा नहीं है, वो सिर्फ हवा है, हवा पवन है। आप कहोगे कि किसी पेड़ को हिलाना है, तो वो हवा बन करके पर्टिकुलर एक पेड़ को हिला सकती है, पत्तियों को हिला सकती है, परंतु आप कहोगे कि उस पेड़ के ऊपर आग लगा दो, तो वो अदृश्य शक्तियों के पास आग नहीं है, जिसलिए आग नहीं लगा सकती। इसलिए ऐसे जितने भी हाथ की सफाई करने वाले या फिर नजरबंदी करने वाले जिनके पास इस प्रकार की सिद्धि होती है, ऐसे लोगों से बच करके रहें और ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। काली हल्दी से कील को मोड़ देते हैं, पानी छिड़क करके कुछ लोग नारियल में आग लगा देते हैं, कुछ लोग नींबू को उड़ा देते हैं, नींबू के अंदर से खून निकाल देते हैं, और कई बार ऐसी डिमांड करते हैं कि साहब तीन धारी वाला नींबू लाओ। तो तीन धारी वाला नींबू, लाखों करोड़ों नींबू में एक नींबू होता है, कहां से मिलेगा? तो वह ऐसी वस्तु की डिमांड कर देते हैं जो व्यक्ति लेके नहीं आ सकता है, और वो आपसे सिर्फ पैसे लेगा कि हम आपके यहां आए, आने जाने का खर्चा दो, रहने खाने का खर्चा दो, 10-20 हजार रुपए झटक के चला जाएगा। और कुछ लोग मोर के पंख से कांच तोड़ने का दावा करते हैं, वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो के माध्यम से प्रचारित करते हैं, पर कभी वो किसी के सामने ये क्रिया नहीं कर सकते और न करते हैं। ये भी हाथ की सफाई होती है, वीडियो को बनाने का तरीका होता है। और कुछ लोग एक शंख को किसी चावल के अंदर बंद कर देते हैं, चावल की बोरी में, ऊपर से चावल डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद शंख धीरे 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 ऊपर आ जाता है। यह भी एक हाथ की सफाई है। तो आप किसी भी ऐसे 21 नाखून वाले कछुए के चक्कर में ना पड़े, दो मुंह वाले सांप के चक्कर में ना पड़े, पैसे की बरसात कराने वाले के चक्कर में ना पड़े, काली हल्दी से ताला खोलने वाले के चक्कर में ना फंसे, मोर पंख से कांच तोड़ने वाले के चक्कर में ना फंसे, और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ताकि आप समझ सकें।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि यह सब तंत्र के बदनाम करने का एक तरीका है, और इस तंत्र को बदनाम करने की वजह से ही आजकल के जमाने में तांत्रिकों के ऊपर जो अच्छे हैं उनके ऊपर उंगली उठाने लगे हैं, और तांत्रिकों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है, गलत नजरों से देखा जाता है, हे की दृष्टि से उन्हें देखते हैं, और तांत्रिकों से लोग बाग डरते हैं कि ये न जाने क्या गलत काम कर देगा अपने बच्चों के ऊपर या अपने स्वयं के ऊपर, या ऐसा नहीं हो कि अपनी पत्नी को वशीकरण करके अपने वश में कर लेगा। इसलिए जो खराब काम करते हैं, हाथ की सफाई करते हैं, गलत काम करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन का काम करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और जो हाथ की सफाई करते हैं, नजरबंदी करके आपको विश्वास में लेकर धोखा कर लेते हैं, उनसे आपको बचतना है। तो आप ऐसे किसी भी मनुष्य को अपने यहां पे न बुलाएं और न उनसे मुलाकात करें, न उनके दरवाजे में आपको जाना है जो ऐसे हाथ की सफाई और नजरबंदी करने का काम करता है, अन्यथा आप फंस जाओगे। आपके पर्स में जितने पैसे होंगे उतने पैसे तो 100% जाना ही जाना है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें और अपना जीवन सुखी व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरी बात का किसी मनुष्य को, किसी आत्मा को ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहेंगे।